नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में मुस्लिम मुथीरा महाज की विचार गोष्ठी सभा आयोजित। बीदर जिला प्रशासन 26 जनवरी को सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाएगा। कलबुर्गी में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि पुजारी और लेखक हिरेमगलूर कनन को दिया गया रिकवरी नोटिस वापस लिया जाएगा। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट राहुल गांधी ने डिलीट किया। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। 16 अप्रैल को होंगे लोकसभा चुनाव, वायरल नोट पर चुनाव आयोग ने बताई सच्चाई। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के क्षेत्र में एक निजी फंक्शन हॉल में मुस्लिम मतहिदा महाज द्वारा एक गोष्ठी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम के अधिकार व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में बैंगलोर सिटी की जामिया मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना मकसूद इमरान राशिद और कर्नाटका के जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना इफ्तिखार कासमी ने भाग लिया। इस मौके पर शरिया बोर्ड, मजलिसुल हुफ्फा सहित अन्य जमातों ने महाज के जिम्मेदारों के सम्मुख बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट देने की मांग रखी, जिसमें जोर देकर कहा गया कि मुस्लिम में कांग्रेस नेता, व्यवसायी, समाज सेवी व शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयास खान को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाना चाहिए। इस मौके पर शाहिन शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, मौलाना अतीर उर रहमान, नेता सलाम पाशा, इमरान सईद सहित अन्य जमातों के मौलाना आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला प्रशासन 26 जनवरी को सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाएगा। वन जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा स्त्रोत तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत हुबा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि औरात के विधायक प्रभु चौहान, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण विधायक डॉ शैलेन्द्र बेलदाड़े, हुमनाबाद के विधायक डॉ सिद्धलिंगप्पा पाटिल, एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, अरविंद कुमार अरली, डॉ चंद्रशेखर पाटिल, सुशील जी नमोशी, भीमराव पाटिल और बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस भाग लेंगे। कार्यक्रम विवरण 26 जनवरी को सुबह 9 बजे वन जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे द्वारा ध्वजारोहण और सलामी की स्वीकृति पथ संचालन के बाद मंत्री ईश्वर खंडरे द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह पर संदेश दिया जाएगा। बाद में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वालों का सम्मान करते हुए पथ प्रस्थान किया जाएगा और स्कूली बच्चों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उस दिन शाम 5:30 बजे रंग मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस ने सोमवार रात शहर के बाहरी इलाके कोटनूर डी गांव में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। व्यापक जांच के बाद गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान किरण, हनुमंत, मनु और संगमेश के रूप में की गई है। कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त चेतन आर ने बुधवार को मीडिया को बताया कि मामले में एक व्यक्ति फिलहाल फरार है और 3 अलग अलग टीमों ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(UV) तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि हमने बुधवार रात 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र दायर कर मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। मैं लोगों और विभिन्न दलित संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सभी उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। प्रेस को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। खरगे ने प्रभावित व्यवसायियों के मालिकों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों पर हमले के लिए मनुवादी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि वह संबंधित अधिकारियों को पुजारी और कन्नड़ लेखक हिरेमगलूर कन्नन को एक तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस वापस लेने का निर्देश देंगे। चिकमंगलूर जिले के हिरेमगलूर में कोडंडा रामस्वामी मंदिर के पुजारी को 2013 और 2022 के बीच उनके खाते में जमा की गई 4.74 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी करने से विवाद पैदा हो गया था। कई भाजपा नेताओं ने सरकार की आलोचना की और मांग की थी कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
तस्दीक मानदेय राशि वापस करने के लिए हिरेमंगलूर कन्नन को नोटिस जारी करना तहसीलदार द्वारा गलत है। इसमें कन्नन की कोई गलती नहीं है। मैं नोटिस वापस लेने के लिए संबंधित लोगों से बात करूंगा। कन्नन को तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया है, हम उनसे बकाया वसूली करेंगे। एसपी ऋषिकेश सोनवणे ने बताया कि ऐतिहासिक गुमटनगिरी में घर में हुई चोरी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 210 ग्राम सोने के गहने, 20 ग्राम चांदी, एलईडी टीवी और 12,17,000 रूपये की दो बाइक जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में जमीर खान, अनवर शेख, आसिफ हवलदार, सलमान खान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 गांधी चौक और 1 जलनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। 24 ದಿನಾಂಕ 13/1/2024 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು HPT ಪ್ರಕರಣ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು LG ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು LED TV, 40 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇಳೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜಮೀರ್, ಅನ್ವರ್, ಆಸಿಫ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಮೀರ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅನ್ವರ್ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆಸಿಫ್ ಮೇಲೆ 6 ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ 24 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫೆನ್ಸಸ್. ಇದೇ MOB ಅದ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ MOBs. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋನ್ ಎಮೋಬಿಸ್ ಇವರು ಇವರು ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಆದ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಫೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ 3 ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರುಕ್ತೆ ಛೋಟ ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಲ್ದ ಲೌಟೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಬಾದ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಹರ್ ಕೋನೆ ಮೇ ಹಮ್ ಹೈ ಮೌಜೂದ್. 24 ಘಂಟೆ ಹಾಲಾತ್ ಪರ್ ಗಹರಿ ನಜರ್, ಖಬರೋ ಸೆ ಜುಡೆ ಚುಪ್ತೆ ಸವಾಲಾತ್, ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ದಿಖಾತಾ ಹೈ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜನೀತಿಕ, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने 2021 का एक विवादास्पद ट्वीट डिलीट कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर 9 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर किया गया था. यह खुलासा गांधी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाली एक जनहित याचिका PIL की सुनवाई के दौरान किया गया. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. राहुल गांधी के वकील तरन्नुम चीमा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि विवादास्पद ट्वीट हटा दिया गया है. वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्वीट को न केवल भारत में रोका गया बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हटा दिया गया था. एक्स के वकील ने इस बयान की पुष्टि की. दिल्ली पुलिस ने सितम्बर 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम रिपोर्ट FIR दर्ज करने का विवरण देते हुए एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में मामले से जुड़ी कानूनी कार्यवाही के बारे में बताया गया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष ये दलीलें दी गई. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर वायरल हो रहे लेटर पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है. आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह स्पष्ट किया है कि चुनाव से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे समय से पूरा करने की जरूरत के मद्देनजर चुनाव आयोग में योजनाएं बनाई जा रही हैं. चुनाव आयोग संभावित तारीखों पर भी चर्चा चल रही है और इस संबंध में अधिकारियों को अपडेट भी दिया जा रहा है. आयोग ने बताया कि इस चुनाव की तैयारियों को लेकर संभावित तारीखों का सुझाव दिया गया है. आयोग की तरफ से जब निर्णय लिया जाता है उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाता है.
अभी केवल सुझाव दिया गया है और यह जरूरी नहीं है कि उसी तारीख पर चुनाव हो। यह तारीख केवल योजनाओं को समय पर पूरा करने के ख्याल से दी गई है ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू तौर पर लागू किया जा सके। दरअसल दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय द्वारा जारी एक आंतरिक नोट में अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गतिविधियां तय करने के लिए 16 अप्रैल को संभावित मतदान तिथि के रूप में बताया गया। इसके बाद आगामी चुनाव के संभावित कार्यक्रम को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज एके विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का शपथ पत्र अदालत में जमा कराकर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें। जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जताई, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बीती शाम मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के नयानगर में दो गुटों के संघर्ष देखने को मिला। कुछ दंगाइयों ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 4 से 5 कारों और करीब दर्जन भर मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ की थी। इसके बाद ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती रही और दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को कड़ी चेतावनी जारी की है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने एक नोट जारी कर सभी सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन को इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए मीरा रोड के नयानगर में हुई घटना से जुड़े कोई भी बिना मतलब जानकारी फॉरवर्ड न करे, चुटकुले या वीडियो भी सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड न करे। अगर पुलिस के इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो पुलिस ग्रुप एडमिन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी। पुलिस ने आगे कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और ग्रुप के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 21 जनवरी को वसई विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के मीरा भाईंदर के नयानगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में नयानगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है और सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इलाके में माहौल शांत है और कुछ लोग घटना के बारे में अलग अलग वीडियो विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर रहे हैं और इससे समाज में गलतफहमी फैल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त पूर्वोत्तर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि असम में प्रशासन से राहुल गांधी की ठन हुई है। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को गुवाहाटी के मुख्य मार्गों पर प्रवेश करने से रोकने के लिए राजमार्गों पर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिया और पुलिस से उलझ गए थे। अब इस मामले में असम पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 पी, 143, 147, 188, 28, 283, 353, 332, 333, 437, 427, आईपीसी धारा, डब्ल्यू धारा
3 PDPP अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। इससे पहले CM ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को अवरोधक तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान में 24 जनवरी की शाम 4:04 पर भूकंप से धरती कांप उठी। इस भूकंप के कंपन से लोग घबरा गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 बताई जा रही है। इसी महीने में 11 जनवरी को भी पाकिस्तान की धरती भूकंप से कांप उठी। घबराए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए थे। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 11 जनवरी को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। 6 तीव्रता का भूकंप दोपहर 2:20 पर स्थानीय समय के अनुसार आया। इसका केंद्र हिंदू कुश क्षेत्र में 213 किलोमीटर की गहराई पर था। पिछले साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान 2 बार 6 और उससे अधिक तीव्रता के झटकों से दहल चुका है। गाजा युद्ध में हाल ही में 21 इजरायली सैनिकों की मौत से प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखला गए हैं। उन्होंने द्विराष्ट्र समाधान को मनाने और हमास आतंकियों के खिलाफ युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। इससे पश्चिमी संघर्ष के तेज होने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे दुनिया में अशांति के खतरे का अंदेशा जाहिर किया है। इससे खलबली मच गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटारेस ने मंगलवार को इसराइल को आगाह किया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का द्विराष्ट्र समाधान से इनकार यकीनन संघर्ष को बढ़ाएगा, जो पहले ही वैश्विक शांति के लिए खतरा है और हर कहीं अतिवादियों का साहस बढ़ रहा है। गुटेरेस ने इसराइल हमास युद्ध पर अपनी अब तक की सबसे सख्त भाषा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि एक पूर्ण स्वतंत्र देश का निर्माण करना फिलिस्तीन के लोगों का अधिकार है और सभी को इसे मान्यता देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि द्विराष्ट्र समाधान को मानने से किसी के भी इनकार को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों में सही मायने में स्वतंत्रता अधिकार और सम्मान नहीं होने से एक राष्ट्र समाधान का विकल्प अकल्पनीय है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि संघर्ष का असर क्षेत्रीय स्तर पर पड़ने का जोखिम अब वास्तविकता बन रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। युद्ध के बाद फिलिस्तीनी देश की किसी भी परिदृश्यता से नेतन्याहू के इनकार ने इसराइल और उसके सबसे करीबी राष्ट्र अमेरिका के बीच दरार पैदा की है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में मुस्लिम मुखीदा महाज की विचार गोष्ठी सभा आयोजित। बीदर जिला प्रशासन 26 जनवरी को सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाएगा। कलबुर्गी में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि पुजारी और लेखक किरिमगलूर कनन को दिया गया रिकवरी नोटिस वापस लिया जाएगा। रेपिडिदा की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट राहुल गांधी ने डिलीट किया। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी FIR। 16 अप्रैल को होंगे लोकसभा चुनाव, वायरल नोट पर चुनाव आयोग ने बताई सच्चाई। KP News के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।